हे गाइस, कैसे हो यार सब लोग। वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। रेस्पिरेटरी गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे एनवायरनमेंट के साथ एक्सचेंज होती है हमारे लंग्स में और हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है, उनका एक्सचेंज कैसे होता है आज हम उसको समझेंगे। अगर तुम लोग चैनल पर नए हो तो मैं तुम लोग को रिकमेंड करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही तुम्हारे लिए फिजियोलॉजी के लेक्चर्स बिल्कुल फ्री में लेके आ रहा हूँ। सारे जो PDFs हैं वो तुम लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तुम लोग उस पर जा करके ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल को, और वहाँ पे सारे PDF जितने होते हैं, जैसे जैसे मैं लेक्चर डालता जा रहा हूँ तुम लोग को वैसे वैसे PDF सारे मिलते जाएंगे। तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। हम कैसे प्रोग्रेस करने वाले हैं आज? आज हम सबसे पहले रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन क्या होती है उसको समझेंगे, लेयर्स क्या होती है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की उसको समझेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजिंग कैपेसिटी क्या होती है, कि किस किस फैक्टर्स के कारण जो हमारे एयर किन किन फैक्टर्स के कारण हमारा एयर का एक्सचेंज होता है, उनमें कैसे हिंड्रेंस आ सकती है, कैसे वो इंक्रीज हो सकते हैं, कैसे वो डिक्रीज हो सकते हैं, आज हम उनके बारे में जानेंगे। फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछा जाता है, उसके बारे में हम समझेंगे। डिफ्यूजन एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन समझेंगे, एंड डिफ्यूजन एंड एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आज हम इन सारी चीज़ों को समझने वाले हैं। तो लंबा लेक्चर होने वाला है थोड़ा, तो प्लीज़ थोड़ा अपने कुर्सियों की पेटियाँ बांध लो और शुरू करते हैं आज का लेक्चर हम। और ऑल्सो मेरे को तुम लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे हम लोग 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे तुम लोग कोई डाउट्स होते हैं तो वो पूछ सकते हो, या फिर वरना जनरल रील्स में डालता रहता हूँ उसको एंजॉय करो। और नोट्स के लिए तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल को, सब फ्री में वहाँ पे मिल जाएगा तुमको, ठीक है। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेस टॉपिक व्हिच इज एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, एंड उसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन क्या होती है। नाम से तुम लोग को क्या लगता है, पहले इस चीज़ को समझते हैं, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, ठीक है। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन एक तरह का स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल ये मेरा एल्वियोला है, ओके, दिस इज माय एल्वियोला, एंड ये है मेरी रेड ब्लड वेसल, जो भी पुलमोनरी वेसल वहाँ पे आ रही है वो है यहाँ पे। इसमें क्या होगा, इसमें रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होंगे, है ना। रेड ब्लड सेल्स को अगर मैं एक रेड ब्लड सेल पकड़ूँ तो इसमें क्या होगा, एक हीमोग्लोबिन होगा जो कि मेनली ऑक्सीजन को कैरी करेगा, क्लियर, कैरी करेगा ऑक्सीजन को। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक लेयर है इसकी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की, सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक या दो लेयर प्रेजेंट है, नहीं, यहाँ पे करीबन करीबन आपकी 5 से 7 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, जो गैस को डिफ्यूज, गैस को उनके ऊपर से पार होकर जाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इन्वायरमेंट से क्या हुआ, ऑक्सीजन आई, ठीक है, ऑक्सीजन आई, अब ये यहाँ पे इस स्पॉट पे पहुँचेगी ऑक्सीजन आपकी, अब इस स्पॉट से लेकर के इस तक जाने के लिए इसको करीबन करीबन 5 to 7 लेयर्स को क्रॉस करना पड़ता है। बुक्स टू बुक्स डिफर करती हैं ये चीज़ें, कुछ जो होती हैं वो 3 लेयर्स का सिर्फ बताती हैं, जैसे कि एल्वियोला की एक लेयर है, आपकी इंटरस्टीशियल स्पेस की एक लेयर है, और प्लस एंडोथीलियम होती है रेड ब्लड सेल की, ऐसा नहीं है, उसमें भी और सेवरल लेयर्स आती हैं। ये आपकी मतलब क्या बोलूँ, नीट लेवल पे आपने इतना ही पढ़ा होगा कि 3 लेयर होती हैं, अभी थोड़े बढ़ जाता है जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारा कोर्स और बड़ा होता जाता है, हर चीज़ को हम डिटेल में पढ़ते जाते हैं। सो इन्हीं सारी लेयर्स को हम मिला करके कहते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, क्लियर, ओके। सो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन ऑल्सो नोन एज द एयर ब्लड बैरियर रिफर्स टू द थिन डेलिकेट बैरियर दैट सेपरेट्स द एल्वियोलर एयर स्पेस फ्रॉम द एडजेसेंट पल्मोनरी कैपिलरी बड। ये जो स्पेस है, मतलब ये इतनी जो लेयर्स हैं, ये सेपरेट आउट करती हैं किस किस को, पल्मोनरी एयर स्पेस को, इंटरस्टीशियल स्पेस को, और अपने रेड ब्लड वेसल को, क्लियर। रेड ब्लड सेल बोलने वाला था, फिर वेसल निकल गया, रेड ब्लड वेसल को ही वैसे करती हैं, ब्लड वेसल्स, ओके। सो इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द एयर इन द लंग्स एंड द ब्लड इन द कैपिलरीज। मेन फंक्शन क्या है कि हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर ऑक्सीजन है उनका एक्सचेंज हो पाए इन सब के बीच में से, क्लियर, ओके। सो यही होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ से क्या होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, टिश्यूज में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और वो जो होता है टिश्यू से पूरा कैरी होते हुए हमारे ब्लड वेसल्स तक आता है, एंड वो एनवायरनमेंट में बाद में रिलीज होता है, क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे हमारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा, ये इधर जाएगा और ऑक्सीजन जो है अंदर आएगा, रेड ब्लड सेल में आएगा, ठीक है,
यहाँ पे नहीं, उस साइड में जाएगा। ओके, सो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स, काफ़ी लेयर्स होती हैं, जैसे कि बताया 5 to 7 लेयर्स होती हैं। एल्वियोलर पोर्शन में हम देखते हैं कि कौन कौन सी लेयर्स होती है। मोनोन्यूक्लियर लेयर ऑफ सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट जो होता है एक तरीके का, आप समझ लो लिक्विड कह लो या केमिकल में सिंपली बोल दूं, हमारे एल्वियोलाई में प्रेजेंट होता है, जो कि सरफेस टेंशन को कम करके रखता है, जिससे कि हमारे लंग कोलैप्स ना कर जाए। क्या होता है कि हमारे जो एल्वियोलाई होते हैं उनमें एयर का एक्सचेंज हो रहा है लगातार। अब अगर इन सब के बीच में जो एयर है प्रेजेंट नहीं है कुछ देर के लिए, तो क्या होने के चांसेस होते हैं, हमारे एल्वियोलाई कोलैप्स कर सकते हैं, चिपक जाएंगे एक दूसरे से। अगर ऐसा होता है तो हम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जा सकते हैं, और जिन लोगों में सर्फेक्टेंट नहीं बनता है उनके केसेस में एआरडीएस करके एक कंडीशन बनती है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। वहाँ पे एल्वियोलाई क्योंकि कोलैप्स कर गए हैं, तो आप एयर किस में भरोगे? क्योंकि क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, बहुत गंदा एग्जाम्पल देता हूँ मैं, ये हमारा मान लो एल्वियोलाई है, ठीक है, ये पूरा एल्वियोलाई है। अब इसमें अगर ये वाला पोर्शन पूरा बंद हो गया है तो यहाँ से एयर कहाँ जाएगी? कहीं नहीं जा सकती है। और एयर अगर यहाँ पे नहीं जा रही एल्वियोलाई में तो वो एक्सचेंज होगी नहीं आगे। सो ये जो होता है हमारे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में चला जाता है पर्सन, एंड उसके कारण डेथ भी पॉसिबल होती है। क्लियर? मोनोन्यूक्लियर सॉरी मोनोमोलिकुलर लेयर ऑफ सर्फेक्टेंट विच स्प्रेड्स ओवर द सर्फेस ऑफ द एल्वियोलाई। क्लियर? थिन फ्लूइड लेयर दैट लाइन्स द एल्वियोलाई, एल्वियोलर एपिथेलियल लेयर विच इज कम्पोज ऑफ थिन एपिथेलियल सेल्स रेस्टिंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है, एल्वियोलाई के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो फंक्शनल उसके होते हैं। फिर आती है हमारे इंटरस्टीशियल स्पेस। तीन हमने पोर्शन में इसको डिवाइड करा है, पहला है हमारा एल्वियोलर पोर्शन, क्लियर, सेकेंड है हमारा इंटरस्टीशियल स्पेस। दिस अ वेरी नैरो स्पेस बिटवीन द एल्वियोलर एपिथेलियम एंड द कैपिलरी एंडोथेलियम। एक कंसिस्ट कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इसमें, सपोज द स्ट्रक्चर ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। जैसे कि आप देखो यहाँ पे भी देख सकते हो जो मैंने डायग्राम बनाया है, थोड़ा सा इसको मैं क्लियर, अरे सो जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया था, ये हमारी ब्लड वेसल और ये हो गया एल्वियोलाई। सो इसके बीच की जो स्पेस है, ये अगर आपने नोटिस करा हो मैंने खाली क्यों छोड़ी थी, क्योंकि यही जो होता है हमारा इंटरस्टीशियल स्पेस होता है, यही हमारा इंटरस्टीशियल स्पेस होता है, यही इसी स्पेस की अभी मैं बात कर रहा था कि ये खाली स्पेस नहीं है, यहाँ पे हमारा कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है जो कि इनको सेपरेट आउट करता है, ब्लड वेसल को और एल्वियोलाई को। क्लियर? इसको भी काउंट करना जरूरी होता है, बहुत बहुत कम स्पेस होता है लेकिन फिर भी उसको काउंट करना जरूरी होता है। एंड नेक्स्ट हमारा कैपिलरी पोर्शन होता है, जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द कैपिलरी पोर्शन एंड द कैपिलरी एंडोथेलियल लेयर। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है, वो लेयर होती है जिसके ऊपर सारे सेल्स रेस्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे सेल्स हैं, ओके, ये सेल्स हैं सारे, तो ये जो ब्लू कलर की यहाँ पे लाइनिंग बनी हुई है इसी को मैं बोलूंगा बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। इसकी भी कुछ थिकनेस होती है, इसको भी इसलिए हम लोग काउंट, इसकी भी कुछ थिकनेस होती है इसलिए हम इसको काउंट करते हैं। सो ये है हमारी सारी लेयर्स जो प्रेजेंट होती हैं। एल्वियोलस है, ठीक है, ये एल्वियोलर पोर्शन बताएगा, सर्फेक्टेंट प्रेजेंट है, लेयर ऑफ एंडोथेलियल लेयर ऑफ एल्वियोलर एंडोथीलियम है, बेसल लेयर है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, ये एल्वियोलर पोर्शन हो गया। फिर इंटरस्टीशियल स्पेस हो गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एंडोथीलियल सेल्स, कैपिलरी एंडोथीलियल लेयर, ये आप बेसिक याद कर लो, ये इतनी तो लेयर्स आप लिख के आ जाओगे तो एग्जामिनर इतना खुश हो जाएगा ना, आपको फ्री के मार्क्स दे देगा, मैं सही बता रहा हूँ। जो फिजियोलॉजी है उसमें पूरा खेल जो पता है किन चीज़ों का है, एक तो फ्लो चार्ट्स का है, दूसरा डायग्राम्स का है,
ऐसे डायग्राम्स आप बना के आ जाओगे ना, सिंपल सिंपल भी है ये, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्या है इसमें, बस आपको लेयर्स याद करके लिखनी है। तो इसमें आपके क्या इसमें क्या होता है, आपके मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं थोड़े। ओके, अब फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजिंग कैपेसिटी। डिफ्यूजिंग कैपेसिटी कुछ नहीं, बस जो हमारे एयर एक्सचेंज हो रही है वो कितने एक्सटेंड तक एक्सचेंज हो पाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर सरफेस एरिया मैं ज़्यादा कर दूँ किसी भी चीज़ का, तो उसमें से एयर एक्सचेंज ज़्यादा हो पाएगा एज कम्पेयर टू कम एरिया में, है ना। मान लो मेरे पास एक ये चार्जर है, ठीक है, एक ये चार्जर है, और फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ये डायरी है, ठीक है। थोड़ा सा आपको डिफरेंस लग रहा होगा इन दोनों के साइजेस में, है ना। तो क्या होगा, इसका मैं बोल सकता हूँ सरफेस एरिया ज़्यादा है ना, तो इसमें से क्या ज़्यादा मॉलिक्यूल ऑफ एयर जा पाएंगे? हाँ सर, जा पाएंगे। और इस चार्जर में से कम एरिया है इसका एज कम्पेयर टू दिस डायरी, है ना, इस डायरी के कंपेरिजन में कम है, तो क्या इसमें से कम मॉलिक्यूल्स जा पाएंगे? हाँ सर, बिल्कुल जा पाएंगे। तो यही खेल होता है सरफेस एरिया का, और ऐसे ही और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे थिकनेस होती है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि थिकनेस किसकी कम है किसकी ज़्यादा है, तो सर इसकी थिकनेस कम है, इसकी थिकनेस ज़्यादा है। अब ये बताओ कि अगर किसी भी एयर को पास होना है, किसी भी किसी मॉलिक्यूल को पास होना है लेयर्स में से, तो उसकी थिकनेस ज़्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए? सर कम होनी चाहिए, ताकि वो ईजिली जल्दी जल्दी डिस्टेंस कवर करेगा और पहुंच जाएगा। इसलिए थिकनेस अगर कम है तो तब तो मॉलिक्यूल्स ईजिली जा पाएंगे, लेकिन अगर थिकनेस ज़्यादा हो जाएगी तो डिफ़िकल्टी आएगी मॉलिक्यूल्स को एक्सचेंज होने में। ऐसे ही और भी सारे फैक्टर्स हैं। सो पहला है हमारा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के बारे में बात कर ली हमने। सरफेस एरिया द सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर गैस एक्सचेंज इन द लंग्स इज अ क्रिटिकल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिफ्यूजिंग कैपेसिटी। कंडीशन दैट रिड्यूस द सर्फेस एरिया सच एज एम्फाइसेमा पल्मोनरी फाइब्रोसिस कैन डिक्रीज द डिफ्यूजिंग कैपेसिटी। अगर एरिया डैमेज हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, जो एल्वियोलाई होते हैं वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। एल्वियोलाई जो होते हैं डैमेज हो जाते हैं किसी कंडीशंस में, कुछ डिजीज हो गई, एम्फाइसेमा होगा। तो एक ये एल्वियोलाई है, एक ये एल्वियोलाई है ना, मेरे पास सपोज तीन एल्वियोलाई हैं, ठीक है। तीन एल्वियोलाई में से अभी तीनों फंक्शनल है, तीनों एकदम बढ़िया हैं, ठीक है। लेकिन अगर इनमें से एक एल्वियोलाई कम हो जाएगा, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास सरफेस एरिया कम हो गया एक्सचेंज होने के लिए गैसेस का, क्योंकि पहले तीन थे अब दो बचे? हाँ सर बिल्कुल। तो डैमेज के कारण सरफेस एरिया कम हो गया, तो उससे एयर के एक्सचेंज पे भी इफेक्ट आएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है हमारा थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। क्या होता है, जैसे अभी मैंने बताया कि थिकनेस अगर ज़्यादा होगी तो थिकनेस अगर ज़्यादा होगी तो गैस को एक्सचेंज होने में डिफ़िकल्टी ज़्यादा आएगी, और अगर पतली होगी तो ईजिली एक्सचेंज हो पाएगा। क्लियर? द थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन which includes the alveolar epithelium, interstitial space and the capillary endothelium affects gas diffusion. Conditions that thicken this membrane such as pulmonary edema or fibrosis can impact gas exchange and reduce diffusing capacity. Edema क्या होता है? Fluid अगर fill हो गया तो interstitial space है, for example अगर इसमें fluid fill हो गया, यहाँ पे fill हो गया या फिर alveoli में fill हो गया, तो वो एक separate एक layer खुद की बनाएगा, तो उससे thickness बढ़ जाएगी और air exchange आसानी से नहीं हो पाएगा। क्लियर? आई होप क्लियर है। ओके, कैपिलरी ब्लड वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द पल्मोनरी कैपिलरीज अफेक्ट द रेट ऑफ द गैस एक्सचेंज। एन इंक्रीज इन कैपिलरी ब्लड वॉल्यूम सच एज ड्यूरिंग एक्सरसाइज और इन कंडीशंस लाइक पल्मोनरी हाइपरटेंशन कैन एनहांस डिफ्यूजिंग कैपेसिटी। जो हमारा ब्लड है वो ही सारी गैस को कैरी कर रहा है ना। ऑक्सीजन आ रही है तो ब्लड ही ऑक्सीजन को आगे लेके जा रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यूज में से बन रही है उसको भी ब्लड ही लेके आ रहा है। अगर इस ब्लड का रेट बढ़ जाए आने का जाने का, तो ओवरऑल जो हमारा गैस का एक्सचेंज होता है वो बढ़ जाता है। आई होप क्लियर है। अगर नहीं है तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को डाउट्स पूछ सकते हो, या फिर पर्सनली मेरे को डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी सब अवेलेबल है द अनफिल्टर्ड मेडिको के नाम से, इंस्टाग्राम पर तुम लोग जा करके सर्च कर सकते हो, वहाँ पर मैं श्योर शॉट तुम लोग के डाउट्स क्लियर करूँगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच। बड़ा थोड़ा ऐसे वेंटिलेशन परफ्यूजन साउंड कर रहा है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं, अभी समझते हैं।
mismatch between the ventilation, air reaching the alveoli and perfusion, blood flow through the capillaries can affect diffusion capacity. क्या होता है वेंटिलेशन, किस चीज़ को बोलेंगे हम, जो एयर हमारे एनवायरनमेंट में से एल्वियोलाई में आ रही है, और परफ्यूजन जो गैस हमारे ब्लड में से एल्वियोलाई में जा रही है, यानी कि ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का जाना, अगर इनके बीच में थोड़ा मिसमैच हुआ है ना, नहीं हो पा रहा है एक्सचेंज, तो इसकी वजह से मिसमैच क्रिएट होता है और इस फैक्टर की वजह से हमारा डिक्रीज हो सकता है जो एक्सचेंज है गैसेस का. सच एज कंडीशन सच एज पल्मोनरी एम्बोलिज्म और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, COPD को हम बोलते हैं, कैन कॉज मिसमैच एंड रिड्यूस डिफ्यूजिंग कैपेसिटी. क्लियर? अगर इनके एक्सचेंज के बीच में थोड़ा मिसमैच होता है तो हम इसको कंसिडर करते हैं, एक फैक्टर होता है कि भी. आई होप क्लियर है. नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन. हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन वो कंपाउंड है, वो मॉलिक्यूल है जो हमारे ऑक्सीजन को कैरी करता है, और ना कि सिर्फ ऑक्सीजन को, बहुत माइन्यूट क्वांटिटीज में जो है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है. द कंसेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड इन्फ्लुएंसेस द अमाउंट ऑफ द गैस दैट कैन बी कैरीड. एनीमिया. एनीमिया क्या होता है? अगर तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है, मैंने ब्लड वेसल वाले जो चैप्टर है, ब्लड एंड कंपोनेंट्स का जो चैप्टर था, पूरा यूनिट था, उसमें एनीमिया भी बहुत अच्छे से पढ़ाया है. तो मैं होप करूंगा तुम लोग जाकर के उसको देखो, वहाँ पे जाकर के समझो. अगर नहीं अब तुम लोग को पता है एनीमिया क्या होता है, उसका जो पूरे टाइप्स होते हैं मैंने बताए हुए वहाँ पे. सो एनीमिया एक कंडीशन होती है जहाँ पे आपके बॉडी में किसी भी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो कम हो जाती है ब्लड की. सिंपल अगर मैं बोलूँ तो वो एनीमिया कहलाएगा. विच रिड्यूसेज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड कैन अफेक्ट डिफ्यूजिंग कैपेसिटी. अब एनीमिया के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, न्यूट्रिशनल होता है और हिमरेजिक हो सकता है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उनका हम पूरा जो है पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट है हमारा डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ गैसेस. द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट्स द ईज विद विच गैसेस कैन मूव थ्रू द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन. चेंजेस इन द डिफ्यूजन कोएफिशिएंट सच एज कंडीशंस अफेक्टिंग लंग कंप्लायंस और पल्मोनरी सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन कैन इम्पैक्ट द डिफ्यूजिंग कैपेसिटी. ठीक है, हर एक गैस का अपना एक डिफ्यूजन कोएफिशिएंट होता है. सिंपल टर्म्स में डिफ्यूजन कोएफिशिएंट एक ईज होता है, गैस का जो होता है अफेक्शन होता है कि वो कितना लिपिड में से निकल सकती है, उसी को हम डिफ्यूजन कोएफिशिएंट बोलते हैं. हर एक गैस का अपना इंडिविजुअल होता है. अगर कोई ऐसी गैस है जिसका डिफ्यूजन कोएफिशिएंट बहुत ही इनफेवरेबल है कि नहीं मैं लिपिड में से नहीं जाऊँगी, तो उसको बहुत डिफिकल्टी आएगी एक्सचेंज होने में. वेयरएज जो गैसेस हैं हमारी जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, उनका काफ़ी अच्छा फेवरेबल कोएफिशिएंट होता है, वो इजीली एक्सचेंज हो पाती हैं लेयर्स में से. क्लियर? नेक्स्ट है एज. एज डिफ्यूजिंग कैपेसिटी टेंस टू डिक्रीज विद एज ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द लंग एंड डिक्रीज इलास्टिसिटी ऑफ द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन. जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे ही रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स थोड़े होने के ज़्यादा चांसेस होने लगते हैं, एंड लंग से जो इलास्टिसिटी होती है, जो स्ट्रेचेबिलिटी होती है कि कितने एक्सपैंड कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसमें भी ऑल्ट्रेशन आते हैं, एल्वियोलर डैमेज होने लगते हैं. तो इन सब वजहों से एज जो होता है एक सिग्निफिकेंट फैक्टर होता है. नेक्स्ट है एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड एट हाई एल्टीट्यूड वेयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इज लोअर डिफ्यूजिंग कैपेसिटी मे इंक्रीज टू कंपनसेट फॉर द रिड्यूस ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी. जैसे कि आप हिल्स पर जाते हो, है ना, आपने अगर गए हो तो फील करा होगा कि वहाँ पे एयर ज़्यादा आप ब्रीथ करते हो, मतलब आपका जो वेंटिलेशन होता है वो बढ़ जाता है. तो उस ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड्स पर जाते हो तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जो होता है वो गिरता रहता है. इसी चीज़ को कंपनसेट करने के लिए वेंटिलेशन बढ़ता है, ताकि मैं अगर ज़्यादा जल्दी सांसें लूँगा तो हो सकता है कि गैस एक्सचेंज जल्दी जल्दी होगा, मेरे को ज़्यादा ऑक्सीजन उतने ही देर में मिलने लगेगी. क्लियर? एंड लास्ट है एक्सरसाइज. एक्सरसाइज ड्यूरिंग एक्सरसाइज डिफ्यूजन कैपेसिटी में इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज ब्लड फ्लो टू लंग्स एंड एनहांस वेंटिलेशन परफ्यूजन मैचिंग. क्लियर? ओके. सो एक ये बहुत ही सुंदर सा मैंने बनाया है, मैं बोलूँगा इसलिए सुंदर है. ये एक सुंदर सा एक आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि आपके कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो माइंड में रखने हैं जब फैक्टर्स अगर वो पूछेगा तो. एज हो गया, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट हो गया, कैपिलरी ब्लड वॉल्यूम हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन हो गया, एक्सरसाइज हो गया, प्रेशर ग्रेडियंट हो गया, एंड हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन हो गया. ये चार्ट अगर तुम यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में बना के आओगे तो एज यूजुअल एग्जामिनर इम्प्रेस होगा ही होगा. क्लियर? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन.
फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन डिस्क्राइब्स द रेट एट विच द पार्टिकल्स डिफ्यूज थ्रू अ मीडियम, कोई भी मीडियम है जैसे कि वाटर हो गया, लिपिड हो गया, गैस हो गया इवन, तो उसमें से जो भी हमारी डिजायर्ड गैस है जैसे ऑक्सीजन, वो कितने ईज के साथ डिफ्यूज हो पा रही है, इसी चीज को फिक्स लॉ हमारा बताता है, फिक्स लॉ बताता है। द लॉ स्टेट्स दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया एंड द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ओवर विच डिफ्यूजन अकर्स। समझते हैं इसको, ठीक है? तो जे से डिनोट करते हैं इसको, क्या होगा? मैंने अभी बताया था कि अगर सरफेस एरिया बड़ा है तो क्या होगा, ज़्यादा आसानी से गैस एक्सचेंज हो पाएगी, तो यानी कि एरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज़्यादा एरिया उतनी ज़्यादा गैस एक्सचेंज होगी। अब मान लो किसी गैस का पार्शियल प्रेशर 110 है एक साइड पे एंड दूसरी साइड पे 50 है, ठीक है, एटीएम जो भी है उसकी यूनिट, उससे मुझको अभी मतलब नहीं, तो इनका डिफरेंस कितना हुआ 60, क्लियर। दूसरी गैस है उसका पार्शियल प्रेशर फॉर एग्जांपल 110 है एक साइड पे लेकिन दूसरी साइड पे 100 है, तो डिफरेंस क्या हो गया इसका 10 हो गया डिफरेंस। अब मेरे को ये बताओ कि कौन सी गैस ऐसी होगी जो ज़्यादा तेज़ी से अपने आप को एक स्टेबल स्टेट में लाना चाहेगी, एक इक्विलिब्रियम के स्टेट में लाना चाहेगी। सर डिफरेंस जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे हमेशा जो है इक्विलिब्रियम ज़्यादा तेज़ी से आने के चांसेस रहेंगे, या फिर डिज़ायर जो होगी इक्विलिब्रियम की वो सबसे ज़्यादा होगी। हाँ बिल्कुल सही है। तो केस फर्स्ट में क्या मैं बोल सकता हूँ जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है कंसेंट्रेशन का, तो यहाँ पे गैस की इच्छा ज़्यादा होगी कि वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में आए? जी सर बिल्कुल होगी। तो इसलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि जो प्रेशर ग्रेडियंट है, अगर वो ज़्यादा होगा तो गैस इक्विलिब्रियम के स्टेट में ज़्यादा आने की कोशिश करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज होगी। हाँ बिल्कुल सही है। तो क्या होगा, एरिया इनटू प्रेशर ग्रेडियंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। अब जैसा कि मैंने बताया था कि डिस्टेंस, जो डिस्टेंस होगा लेयर्स के बीच में देखो इसमें क्या है, ये पतला है और ये जो है इसका थिकनेस ज़्यादा है, तो इसमें जो गैस एक्सचेंज होगा जो थिकनेस होगी वो अनफेवरेबल है, ठीक है। जितनी लेयर्स की थिकनेस कम होगी उतनी ही जल्दी गैस का एक्सचेंज होगा और जितनी ज़्यादा लेयर की थिकनेस होगी उतना ही धीरे एक्सचेंज होगा। तो क्या हुआ, तो जो हमारा गैस का एक्सचेंज है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्टेंस के, डिस्टेंस ऑफ द लेयर्स कह लो, किसी भी डिस्टेंस के बीच में ले लो। तो इससे मेरे को एक इक्वेशन मिलती है, तो जो मेरे को इक्वेशन मिलती है वो है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन, ओके। और ये जो डी होता है एक कॉन्स्टेंट होता है, जिसको बोल लो कि एक गैस के लिए एक फिक्स हो सकता है वो, ठीक है। अभी इतनी डेप्थ में नहीं जाना है हमको, इतनी डेप्थ में नहीं जाना है हमको, बस फिक्स लॉ का स्टेट करता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सर्फेस एरिया एंड द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ओवर विच द डिफ्यूजन अकर्स, क्लियर? ओके, आई होप क्लियर है। नहीं है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेरे को तुम लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन कैसे कैसे होता है, ये अभी हम स्टेप्स देखेंगे। ट्रांसपोर्ट का जो है वो पूरा ही अलग एक यूनिट, सॉरी पूरा ही अलग चैप्टर है, उसका एक अलग ही पूरा लेक्चर रहेगा। अभी हम डिफ्यूजन देखेंगे क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एयर इनटू द एल्वियोलाई, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियोलाई इनटू ब्लड एंड डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड टू टिश्यूज, ये तीन मेन होती है। क्या हुआ, एनवायरमेंट में से एल्वियोलाई में आएगी, ठीक है, एल्वियोलाई से ब्लड वेसल में जाएगी, वहां पे वो हीमोग्लोबिन उसको कैरी करके टिश्यूज में लेके जाएगा, ये इसका एक्सचेंज होता है। तो क्या होता है, अब एनवायरमेंट में जो होती है 159 mm ऑफ Hg उसका प्रेशर है, जो कि एल्वियोलाई में 104 हो जाता है, तो डिफरेंस कितना होगा इनके बीच में 55 आ गया डिफरेंस। इस डिफरेंस के कारण, प्रेशर ग्रेडियंट के कारण, ये एनवायरमेंट से एल्वियोलाई में आएगी। अब एल्वियोलाई में 104 mm Hg है
ब्लड वेसल में 40 mm Hg प्रेजेंट है, 40 mm ऑफ Hg प्रेजेंट है, अगेन यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होगा, तो अगेन यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होगा और एल्वियोलाई से ब्लड वेसल में आएगी यानी आरबीसी में जाएगी, आरबीसी इसको टिश्यूज तक कैरी करेगा। अब ब्लड में जो होता है यहाँ पे बढ़ जाता है, 95 हो जाता है, जब ऑक्सीजन आएगी तो उसका ग्रेडियंट भी बढ़ेगा, प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ेगा, तो यहाँ पे ब्लड वेसल में जब टिश्यू लेवल पे हम बात करेंगे तो उसको 95 कंसिडर करेंगे और यहाँ से वो एक्सचेंज हो जाती है टिश्यूज में, तो ये इसके स्टेप्स होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है डिफ्यूजन एंड एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू इनटू द ब्लड स्ट्रीम, डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड टू एल्वियोला एंड डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एल्वियोला इनटू एटमॉस्फेरिक एयर। पूरा जो हमने ऑक्सीजन के केस में पढ़ा है वो उसका उल्टा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मेनली ओरिजिनेट करती है हमारे टिश्यूज में से, तो वो टिश्यूज में से निकल के जाएगी कहाँ पे, एनवायरमेंट में जाएगी, पूरी उल्टी प्रोसेस यहाँ पे होगी ऑक्सीजन के साथ जो हुआ, क्लियर। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई इज हाई इन द सेल्स एंड इज अबाउट 46 mmHg, क्लियर, यहाँ पे 46 mmHg होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आर्टेरियल ब्लड इज 40 mmHg, ब्लड में जो है 40 mmHg है, तो यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट हुआ कि कहाँ पे टिश्यूज में ज्यादा है, ब्लड वेसल में कम है, तो वेसल में टिश्यूज में से ब्लड वेसल में जाएगी, 600 mmHg का इसका mmHg का इसका डिफरेंस है। अब यहाँ पे जो होता है 46 mmHg हो जाएगा जब हम एल्वियोलाई लेवल पे बात करेंगे, और एल्वियोलाई में जो है अगेन 40 mmHg ही इसका ग्रेडियंट है, तो अगेन 6 का डिफरेंस आएगा और वो वापस एक्सचेंज हो जाएगा एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई में प्रेजेंट है अब जो भी अमाउंट वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, सॉरी हमारा एनवायरमेंट के साथ एक्सचेंज हो जाएगा आगे, क्लियर। आई होप क्लियर है, बहुत ही ईजी है, कुछ इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है आई गेस। एंड इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, अगेन मैं बोलूँगा सब्सक्राइब करो, तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं कि हाँ और भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं और जल्दी जल्दी वीडियोज बनाऊँ, मेरे को उस चीज़ का मोटिवेशन मिलता है। दूसरा नोट्स, यस नोट्स जो है बहुत ही जल्द मैं लेके आ रहा हूँ, पूरे सिस्टमैटिक नोट्स रहेंगे, सारी यूनिट्स कवर्ड रहेंगी और मैं जितना मिनिमम हो पाएगा उसको मिनिमम कॉस्ट रखूँगा उसकी, तो बने रहो चैनल के साथ और जो भी डाउट्स होते हैं कमेंट्स में पूछ लो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर तुम DM कर सकते हो, और अभी के लिए जितनी भी ये स्लाइड्स हैं तुमको फ्री एकदम मिल जाएंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, पूरा फ्री है, जा करके ज्वाइन करो। सो इसी के साथ आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में।